सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स, पीस अपॉन ह्यूमैनिटी। माय नेम इज़ प्रोफेसर अहमद नसीम खान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चले वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने टॉपिक को देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। बीइंग अ बिज़नेस स्टूडेंट, हमें इसके बारे में मुकम्मल इल्म होना चाहिए। चलें अपने टॉपिक से रिलेटेड लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं। आज का पहला लर्निंग आउटकम्स व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स है, दूसरा डेफिनेशन ऑफ HRM, तीसरा व्हाई HRM इज़ यूज एज ए अम्ब्रेला टर्म, नंबर फोर इज़ थ्रू HRM मेन फोकस एरियाज, इन द लास्ट इज़ व्हाई HRM इज़ इम्पोर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो के इख्तिताम तक इंशाल्लाह हम तमाम लर्निंग आउटकम को अंडरस्टैंड कर लेंगे। हमारा पहला लर्निंग आउटकम, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स से मुराद वो लोग जो कंपनी के लिए काम करते हैं और वो डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड तमाम अमूर को की देखभाल करता है कहा जाता है। HR plays a key role in helping companies deal with a fast changing environment and the greater demand for quality employees. The term human resource was first coined in 1960. When the value of labor relation began to get attention, और उसके result में motivation, organizational behavior, selection assessment जैसे notions ने take shape लेना शुरू की। Human resource management एक umbrella term है। umbrella term से मुराद जिसकी wide range हो, इस जिसमें बहुत से concept involve हों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑर्गेनाइजेशन को देखा जा सकता है। आल्सो कॉल्ड पर्सनल और टैलेंट मैनेजमेंट, लेकिन ये एंटीक है। अगर आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए कि HRM क्या है, तो ये कहना गलत ना होगा कि HRM में वो तमाम अशिया व अमूर शामिल होती हैं जो ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करने के लिए नहायत ज़रूरी हैं। Human resource management is therefore focused on a number of major areas including recruitment and staffing, compensation and benefit, training and learning, labor and employee relation, organization development. रिक्रूटिंग एक प्रोसेस है जिसमें प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को मुलाजमत के लिए तलाश किया जाता है, जबकि स्टाफिंग रेफर टू अ प्रोसेस concerned with the acquiring, employing, deploying, compensation and retaining employee of a organization. Compensation and benefits से मुराद compensation को हम salary, और जब हम benefit की बात करते हैं benefit do not involve money but are presented in form of value. Training and learning से मुराद training is giving information and knowledge and learning is the process of absorbing that information in order to increase skills. लेबर रिलेशन और एम्प्लॉयज रिलेशन में डिफरेंस क्या है? लेबर रिलेशन से मुराद यूनियन और कंपनी का रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन से मुराद एम्प्लॉय मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का रिलेशन। लास्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस कैरिड आउट थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एम्प्लॉयज ताकि दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी गोल्स, देयर बाय बेनिफिटिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने HR के फोकस एरियाज को डिस्कस किया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अब हमारा नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है व्हाई HRM इज़ इम्पॉर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। HRM की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। इसे हम मुख्तलिफ पहलुओं से देखेंगे, जिसमें पहला पहलू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, दूसरा वेजेज एंड सैलरीज है, तीसरा एनालाइजिंग बेनिफिट है,
नंबर 4 पे सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट है, नंबर 5 पे मिनिमाइजिंग लायबिलिटी इश्यूज़ हैं, नंबर 6 पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, नंबर 7 पे एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन को देखेंगे, नंबर 8 पे रिक्रूटमेंट एंड ऑन बोर्डिंग देखेंगे, नंबर 9 पे हायरिंग प्रोसेस देखेंगे, नंबर 10 पे मेंटेनिंग कंप्लाइंस देखेंगे। पहला पहलू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अट्रैक्टिंग डेवलपिंग रिवार्डिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द एम्प्लॉज एज ए इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस के लिए ह्यूमन कैपिटल का बहुत रोल होता है, जिसे HR स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज वेजेस एंड सैलरीज। HR कंपनसेशन स्पेशलिस्ट डिवेल्प रियलिस्टिक कंपनसेशन स्ट्रक्चर जो कि सेट कंपनी वेजेस कंपेटिटिव विद अदर बिजनेसेस इन द एरिया इन द सेम इंडस्ट्री कंपीटिंग फॉर एम्प्लॉयज विद सिमिलर स्किल्स। हमारा एक लेबर सर्विस इंडस्ट्री में काम करती है, एक लेबर बाटा में करती है, तो बाटा वाले HR कंपनसेशन स्पेशलिस्ट ने यह देखना है कि जो लेबर सर्विस में काम कर रही है उनकी पे और हमारी पे में कोई फ़र्क ना हो। नेक्स्ट हेडिंग है एनालाइजिंग बेनिफिट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीज़ें देखी जा सकती हैं, टर्नओवर, एट्रिशन एंड हायरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर। बेनिफिट्स स्पेशलिस्ट का ये काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की कास्ट को मिनिमाइज करके इस मसले को सॉल्व करे। इसके लिए बेनिफिट स्पेशलिस्ट को अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल में लाते हुए नेगोशिएट करना होगा द ग्रुप बेनिफिट पैकेज फॉर एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बजट और कैन कंसिस्ट विद इकोनॉमिक कंडीशन। ये बेनिफिट स्पेशलिस्ट की ही ड्यूटी है कि वो अट्रैक्ट और रिटेन करे वर्कर्स को बेनिफिट्स के लिहाज से। नेक्स्ट हेडिंग है सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। एम्प्लॉयर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे। इस मसले के हर के लिए HR वर्क प्लेस सेफ्टी स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है जो प्रमोटिंग अवेयरनेस एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ डेंजरस इक्विपमेंट एंड डेंजर केमिकल के बारे में अपनी ड्यूटी को सरंजाम देता है। सेटिंग है मिनिमाइजिंग लाइबिलिटी इशूज़। इसमें HR एम्प्लॉई रिलेशन स्पेशलिस्ट अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए मिनिमाइज और कोशिश करता है कि ख़त्म करे रिलेटेड एलिगेशन ऑफ अनफेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस। इसके लिए वो आइडेंटिफाई करता है, इन्वेस्टिगेट करता है एंड रिजॉल्व द वर्क प्लेस इशूज। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें मेनली HR ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट ओरिएंटेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज करवाता है जिसमें एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट हेडिंग है एम्प्लॉइज सेटिस्फेक्शन। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एम्प्लॉइज सेटिस्फेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी मैटर करती है। जब एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो टर्नओवर और अट्रिशन जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है जिससे नॉर्मली कई ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है। इसके लिए HR स्पेशलिस्ट अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है कि एम्प्लॉइज़ को सेटिस्फाइड किया जा सके, हायर परफॉर्मेंस पे उन्हें रिवार्ड दिया जा सके, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सके। सेटिंग है रिक्रूटमेंट एंड ऑन बोर्डिंग। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होती है तो HR रिक्रूटर्स जो रिज्यूमे उनके पास पड़े होते हैं उन्हें स्क्रीन करते हैं, फिर इंटरव्यूज़ को स्केड्यूल करते हैं, उसके बाद बेस्ट एम्प्लॉइज़ को क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर किया जाता है। सेटिंग हायरिंग प्रोसेस। इससे मुराद वो प्रोसेस है जिससे बेस्ट सूटेबल एम्प्लॉइज़ को ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक HR के थ्रू हायर किया जाता है। मेंटेनिंग द कंप्लाइंस से मुराद तमाम वो लॉज जो क्या नाम है कहीं भी क्या नाम है उन्हें एनालिसिस करके या फर्दर प्रोसीड किया जाए।